चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। वर्षों में जो भी आप लोगों ने हमारे काम को ध्यान में लगाया है, हमने मिलकर के उसको पूरा करने का कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया है। मंच पर विराजमान आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे नवीन जिंदल जी की माता जी, जो एक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लगातार लोगों की सेवा करने में आगे बढ़कर के तत्पर रहते हैं, ऐसी माता सावित्री जिंदल जी मंच पर विराजमान है, उनको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे गार्जियन जिनका आशीर्वाद मिलता रहता है और स्पष्ट वो बोलते भी हैं, अगर कोई विषय है तुरंत बोल देते हैं। मुझे भी अगर उनको कोई अच्छी बात नहीं लगती थी तो मुझे आकर के तुरंत टोकते थे कि आप ऐसे मत चलिए, ऐसे आपने चलना है। ऐसे सरदार गुरदयाल सिंह सैनी जी, जो हमारे पूर्व सांसद भी रहे हैं, मंच पर विराजमान हमारे इंद्री के विधायक, राज्यसभा के सांसद राम कुमार कश्यप जी, सैनी समाज के हमारे कुरुक्षेत्र सर्कल के प्रधान गुरनाम सैनी जी, पूर्व सांसद श्रीमती कलासो सैनी जी, हरियाणा सरकार में अभी जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ऐसे करमवीर सैनी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री पेहवा से हमारे विधायक सरदार संदीप सिंह जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी, जिला के माननीय अध्यक्ष रवि बतान जी, सैनी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी जी और हमारी नारनौल से चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, अंशुल खडवालिया जी, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि जी मंच पर विराजमान, सभी समाज के हमारे पदाधिकारी। और आज इस स्वागत समारोह में, इस अभिनंदन समारोह में जो ये आयोजित किया है, ये हमारा नहीं है, ये आप लोगों का है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। भाइयों, ये आप लोग देख भी रहे हैं कि कितना प्यार आप लोगों से आदरणीय मनोहर लाल जी करते हैं, कितना प्यार आपसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया है। भाइयों, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन मैं कर रहा था और आप लोगों के बीच से ही उस छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी आपसे स्नेह करती है, मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी आपसे प्रेम करते हैं। भाइयों, ये उसका परिणाम है, यह उसका परिणाम है।
हम सब की भी एक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये लगातार देखते रहते हैं कि पूरा का पूरा समाज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को प्यार करता है, और उसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं भाइयों, इसका परिणाम है। और आप लोगों से मैं ये आग्रह भी करूंगा कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लेकर के प्रत्याशी आए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मुश्त कमल के फूल को जिताने का काम करें, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें भाइयों। ये संकल्प लेकर के